शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख, प्रवक्ते तथा आमदार माननीय अंबादास दानवे दादा यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक नासिर पठाण मित्रमंडळ, भवानी नगर, कैलाश नगर, दादा कॉलनी, औरंगाबाद। शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख, प्रवक्ते तथा आमदार माननीय अंबादास दानवे दादा यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक अभिजित पगारे, शिवसेना उपविभाग प्रमुख तथा प्रसिद्धी प्रमुख प्राध्यापक संतोष बोर्डे, शिवसैनिक। आदाबर साहब, आप देख रहे हैं ADN उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कौमी रहनुमाओं को खराज अकीदत पेश करके मनाई गई औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की 39वीं सालगिरह। प्लॉग रन मुहिम के तहत शहर से उठाया गया 3 टन कचरा। सालगिरह के दिन अपने ही खून का अतिया करके MLC अंबादास दानवे ने पेश की काबिले तकलीद मिसाल। बीड़ के साबिक वजीर सुरेश धस पर लगा 1,000 करोड़ रुपए के जमीन घपले का इल्जाम। और 10,000 रुपए रिश्वत मांगने वाली खातून तलाटी गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। कौमी रहनुमाओं को खराज अकीदत पेश करके प्लाग रन मुहिम के तहत सफाई करते हुए औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की 39वीं सालगिरह मनाई गई। प्लाग रन मुहिम के तहत कॉरपोरेशन के अफसरान मुलाजमीन ने शहर की सड़कों से 3 टन कचरा उठाया है। औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के क्याम के 39 साल आज पूरे हुए। फिलहाल कॉरपोरेशन पर एडमिनिस्ट्रेटिव नामजद है। आज 39वीं सालगिरह के मौके पर सुबह के अव्वलीन साथों में शहर के तमाम 9 जोनों में सड़कों और गलियों से कचरा उठाया गया। प्लॉग रन के नाम से इस मुहिम में कॉरपोरेशन के अफसरान व मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। इस मुहिम के तहत 3 टन कचरा शहर की सड़कों और गलियों से निकाला गया। इससे पहले म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने आज कॉरपोरेशन में छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्मे की गुलपोशी की। बाद अजां कॉरपोरेशन के अफसरान ने छत्रपति शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और छत्रपति संभाजी महाराज के मुजस्मे की गुलपेशी करके इन्हें खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर रविंदर निकम, BB नेमाने, डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी, अपर्णा थेटे, संतोष वाहुड़े, PRO तौसीफ अहमद समेत आला अफसरान व इंजीनियर्स मौजूद थे। कोरोना की खौफनाक वबा ने रिवायती रस्म व रिवाज की तरह सियासी लीडरों के जश्न सालगिरह का मिजाज भी बदल दिया। अब सालगिरह का जश्न मनाने के बजाय मुसीबत ज़दा इंसानों की मुख्तलिफ तरीक़ों से मदद की जा रही है। शिवसेना के ज़िला सदर अंबादास दानवे की सालगिरह भी आज ऐसे ही मनाई गई। लेकिन आज दानवे ने अपनी ही सालगिरह के मौके पर खुद अपने कौन का अतिया देकर एक काबिल तकलीद मिसाल कायम की है। शिवसेना के ज़िला सदर अंबादास दानवे जो MLC भी हैं, पार्टी में इनका खद भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए उन्हें पार्टी के रियासती तर्जुमान जैसा अहम उदा सौंपा गया। इसके साथ साथ दानवे की हर तबके में मकबूलियत भी बढ़ती जा रही है। इनकी सालगिरह के मौके पर आज समाज के हर तबके की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम रखे गए, जगह जगह इनका इस्तकबाल किया गया। शिवसेना के लीडर विश्वनाथ राजपूत की जानिब से आज दानवे की सालगिरह के मौके पर घाटी अस्पताल को 5 स्ट्रेचर का अतिया दिया गया। इस मौके पर अंबादास दानवे घाटी के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर कैलाश जी ने डॉक्टर सुरेश हरबड़े, विश्वनाथ राजपूत के अलावा बड़ी तादाद में शिवसैनिक मौजूद थे। डॉक्टर कैलाश जी ने घाटी अस्पताल के लिए अंबादास दानवे के ताउन की सताइश भी की। या ठिकाणी आज विश्वनाथ राजपूत यांनी पुढाकार घेऊन माझ्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने
स्ट्रेचर एक 5 स्ट्रेचर एक भेट दिलेली आहे. मला असं वाटतं हे एक शिवसेना एक सातत्यानं सामाजिक उपक्रम राबवत असते. तसं पाहायला गेलं तर घाटीकडे सगळ्या साधन सुविधा आहेच, परंतु एक अशा पद्धतीनं समाजाचा वेगवेगळ्या संघटनांचा सहभाग असला तर घाटीविषयी म्हणा या हॉस्पिटलविषयी एक आपुलकी आणि जनता आणि हॉस्पिटल याचं एक आपुलकीचं नातं आहेच. अशा उपक्रमामुळे ते वाढत असतं. आम्ही विश्वनाथ राजपूतांचाही आभार मानतो की बाकीचे दिखाव्याच्या कार्यक्रमापेक्षा हे कार्यक्रम अतिशय चांगले आहेत आणि म्हणून मी त्यांनाही शुभेच्छा देतो. घाटीच्या प्रशासनालाही विनंती करेल हे स्ट्रेचर व्यवस्थित सांभाळणे, आणखी काही कमी पडलं तर आम्ही आहोच हेही मी त्यांना अभिवाचन दानवे साहेबांनी घाटी दवाखान्यासाठी आपल्या वाढदिवसानिमित्त राजपूत साहेबांकडनं जे स्ट्रेचर आम्हाला मिळवून दिलेले आहेत याचा गोरगरीब जनतेसाठी निश्चितच उपयोग होईल. आणि घाटी प्रशासनातर्फे त्यांनी याच्या अगोदरही स्ट्रेचर दिलेले होते, आताही जे दिलेले आहेत या स्ट्रेचरचा सुयोग्य वापर केला जाईल याचं मी घाटीतर्फे वचन देतो, तशी ग्वाही देतो. इसी मौके पर घाटी अस्पताल में अतिया खून कैंप भी रखा गया जिसमें बड़ी तादाद में शिवसैनिकों ने अपने खून का अतिया दिया. काबिले जिक्र बात यह है कि अपनी सालगिरह के मौके पर खुद अंबादास दानवे ने अपने ही खून का अतिया देकर एक बेहतरीन मिसाल कायम की. वाढदिवसाच्या दिवशी रक्तदान करणे हा एक खूप चांगला संदेश आणि पांड्या साहेबांनी घातलेला आहे. जेव्हा केव्हा घाटीला मदत असते, गरज मदतीची गरज असते, त्यावेळी साहेब नेहमीच घाटीला मदत करतात. त्याबद्दल घाटी प्रशासनातर्फे मी सरांचे मनपूर्वक आभार मानतो आणि सरांना 51व्या वाढदिवसानिमित्त खूप खूप शुभेच्छा देतो. घाटी अस्पताल के अहाते मेही आज शिवसैनिक शेख आसिफ की जानिब से मरीजों, इनके रिश्तेदारों और अपाहिजों में कंबल तकसीम किए गए ताकि कड़ाके की सर्दी में उन्हें राहत मिल सके. अंबादास दानवे के हाथों कंबल तकसीम का ये प्रोग्राम रखा गया. वार्ड दिवस के मौके पर घाटी हॉस्पिटल में हमने जो है तो ब्लैंकेट कार्यक्रम जो है तो रखे थे, जिसमें जो है तो अपंग और गोर गरीब जो लोग थे उनको दानवे दादा के हाथ से यहाँ पर जो है तो ब्लैंकेट वाटअप का कार्यक्रम लिया गया, जिसमें हमारे हॉस्पिटल के अंदर घाटी जो हॉस्पिटल है यहाँ पे जो है तो दूर दराज से जो है तो पूरे मराठवाड़ा के लोग आते, आज उनको देखते हुए उनको आज ज़रूरत थी, जो मौसम जो है तो आज चल रहा ठंडी का उनको ज़रूरत थी तो उनके हाथ से आज जो है तो ब्लैंकेट वाटअप किया गया. सालगिरह के मौके पर अंबादास दानवे के हाथों बौद्ध रहनुमाओं के दरमियान इनकी ज़रूरत की अशिया चीवरदान तकसीम की गई. इस प्रोग्राम का अहतमाम शिवसेना दलित अघाड़ी के शहर ऑर्गेनाइज़र वैजनाथ मस्की ने किया था. इस मौके पर दलित मर्द व ख़वातीन की जानिब से अंबादास दानवे का गर्म जोशी के साथ इस्तकबाल किया गया और उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद पेश की गई. ये प्रोग्राम गार है औरंगाबाद के करीब मुनक़द किया गया था. शिवसेना जिला प्रमुख तथा आमदार अंबादास जी दानवे दादा वाढ़दिवसा निमित्ता ने वेगवेगे कार्यक्रम घे. पहिले कार्यक्रम तर प्रथम तथागत भगवान गौतम बुद्ध यांच्या बुद्धलीनी इथे दादाच्या हस्ते भंतेंना चिवरदान करण्यात आलेले आहे. दुसरा कार्यक्रम जे तर इथं घाटी परिसरामध्ये जे अपंग लोकांना शेख आसिफ भाई यांच्या वतीने अपंग लोकांना आज थंडीच्या कालाच्या याच्यामध्ये असताना आज चांगले म्हणजे चांगले क्वालिटीचं बेडशीट ब्लँकेट वाटप करण्यात आलं. बीड के कद्दावर लीडर ने साबिक रियासती वजीर सुरेश धस पर 1,000 करोड़ रुपये के ज़मीन घपले का इल्ज़ाम लगाया गया है. RTI कारकिन ने आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़मीन घपलों के दस्तावेजात पेश करते हुए तहकीकात का मतालबा किया. क्या आष्टी तालुके में मस्जिद दरगाह इनाम ज़मीन जो इनलीगल तरीके से जो वक्फ एक्ट के खिलाफ गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन पास किया है कि ये ज़मीन तुम खालसा नहीं कर सकते, ऐसा रहने के बावजूद मस्जिद और दरगाह के बहुत प्लॉटिंग के ज़मीन ये बोगस डॉक्यूमेंट बनाकर हमारे यहाँ के डिप्टी कलेक्टर एन आर शेर के जो कि वर्तर्फ है इनके साइन से 2018 में खालसा आदेश इन्होंने पारित करे और उसका इम्प्लीमेंट 2020 में किया गया. इस ये बात की
मालूम कब हो गई, जबकि जामखेड़ में जामखेड़ शहर के नज़दीक चितपुर मस्जिद इनाम दरगाह की ज़मीन है, वहाँ पे जब प्लॉटिंग गिरी तो हमने उसकी तहकीक़ करी तो ऐसे चितपुर रुईनालकोट की 103 एकड़ ज़मीन और देवीनियम गाँव मस्जिद इनाम की 45 एकड़ ज़मीन, ऐसे तीन बोगस ऑर्डर हमको दिख के आ गए। इसके बाद हमने अल्पसंख्यक मिनिस्टर, महसूल मिनिस्टर, इनके पास राइटिंग में सब प्रूफ के साथ डॉक्यूमेंट देकर इसकी इंक्वायरी मांग करी। और एक बात हो गया कि वो ज़मीन रहने से तीन जो मस्जिद इनाम दरगाह इनाम की ज़मीन है इसके बारे में अष्टी पुलिस स्टेशन में और अम्बोरा पुलिस स्टेशन में गुने दाखिल हो गए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के यौम तासीस पर महकमे सेहत व मलेरिया के जानिब से कॉरपोरेशन के सदर दफ्तर के अहाते में तिब्बी जाँच कैंप मुनक्कद किया गया, जिसमें कॉरपोरेशन के अमले और शहरियान की तिब्बी जाँच की गई। तिब्बी जांच कैंप में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर बीबी नेमाने, म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, डॉक्टर अर्चना राणे, सुपरवाइजर शेख अनवर शेख दादा भाई, चुन्नीलाल मोतीलाल अदनी के अलावा कॉरपोरेशन के डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, तिब्बी अमला, ब्रीडिंग चेकर, मलेरिया सुपरवाइजर, SFW के अहलकार और सफाई मुलाजमीन मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 11 दिसंबर को तिरंगा रैली के लिए पूरी तैयारियां की जा रही। MIM के ज़िला सदर समीर साजिद बिल्डर ने ADN से बात करते हुए कहा कि औरंगाबाद से तिरंगा रैली 10 दिसंबर को निकाली जाएगी और ये रैली बराह पूना मुंबई पहुँचेगी। आने वाली 11 दिसंबर के मजलिस इत्तेहादुल खासदार इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व में हम लोग औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक एक तिरंगा रैली निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि 11 दिसंबर को सुबह में मगरिब की नमाज़ हम लोग सब जो है तो फजर की नमाज़ हम लोग सब जो है तो जामा मस्जिद में अदा करेंगे। सब साथ में मिलकर जो भी साथी हमारे साथ आना चाह रहे हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग जो है तो यहीं से आमकर ग्राउंड के अंदर जो हमारी गाड़ियाँ पार्क होगी यहीं से हम लोग जो है तो मुंबई के लिए इंशाल्लाह रवाना होंगे। रूट हमारा वाया पूना है, पूना होते हुए हम लोग मुंबई की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे। मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आइए एक दिन हम हमारे कारोबार और हम हमारे पक्ष को, हमारे जो तो अलग अलग मफलर्स को, अलग अलग हमारे रुमाल को जो तो साइड में रख के एक झंडे के तले, तिरंगे के तले आइए हम सब मिलकर जो तो मुंबई के लिए चले और मुसलमानों के हक की हमारे मुस्तकबिल में हमारे बच्चों के लिए जो रिजर्वेशन के टॉपिक के ऊपर ये मोर्चा निकलने जा रहा है, ये रैली निकलने जा रही है, उसको कामयाब करने के लिए आप और हम सब मिलकर इंशाल्लाह आगे। कोविड वैक्सीनेशन के ज़िमन में अवामी बेदारी के लिए आज औरंगाबाद पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के ताउन से स्टेपिंग स्टोन हाई स्कूल के तलबा ने नुक्कड़ ड्रामा पेश किया। ये प्रोग्राम हिंद सुपर सर्विसेज पेट्रोल पंप क्रांति चौक पर रखा गया था, जिसमें स्टेपिंग स्टोन हाई स्कूल के तलबा ने पेट्रोल पंप के अहाते में नुक्कड़ ड्रामा पेश करके वैक्सीनेशन की अहमियत बतलाई और शहरियान को वैक्सीन लेने में पहल करने का पैगाम दिया। प्रोग्राम में पेट्रोलियम एसोसिएशन के सेक्रेटरी अकील अब्बासी, स्टेपिंग स्टोन स्कूल के चेयरमैन अब्दुल हुसैन, प्रिंसिपल डॉक्टर एंजेलो माइकल डेसुजा, वाइस प्रिंसिपल रूपाली मुंदड़ा, दीपक सोनोने, हितेन पटेल, देव उपाध्याय, विशाल लोड़गे वगैरह मौजूद थे। स्ट्रीट प्ले के माध्यम से हम औरंगाबाद के वासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ, हमारे स्कूल स्टेपिंग स्टोन्स हाई स्कूल, कि वैक्सीनेशन हर नागरिक को लेना चाहिए। डरने के कुछ बात नहीं है, अगर हम अपने देश को प्यार करते हैं, खासकर अपने परिवार से प्रेम करते हैं, तो वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे के थ्रू से ये संदेश जाना हम सोचे बहुत ही पावरफुल है और सब नागरिक तक ये पहुँच। हमने ये हमारे पंप से और हमारे स्कूल से ये हमेशा संदेश जाता है कि सोशल वर्क में हमारे बच्चे आगे आए और ये बहुत अच्छा कॉज है कि बगैर वैक्सीन के आपको कहीं भी जाने की, अभी आजकल फ्लाइट्स में जाओ या कहीं भी जाओ, आपको कोई ट्रैवल भी करना है हर जगह वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। और ये वैक्सीन लेने से अपना ही लोगों का फ़ायदा है कि वो अगर वायरस अटैक भी करा तो इतना सीवियर नहीं रहता, वो घर में भी रह के ठीक हो सकते हैं। और हमारा दोनों स्कूल का भी और हमारे पंप का भी यही संदेश है और हम हर गवर्नमेंट के या जो भी अच्छे काम रहते हैं उसमें योगदान जरूर देते हैं। ह्याचं कारण काय आहे? या पोरांना भीती आहे की त्यांचं मानसिक
नुकसान जे झालं हे या एका वर्षात ते अजून वाढेल का, कारण शाळा बंद झाले तर त्यांचं जे ॲग्रेशन हे ते आधीच खूप वाढलेलं आहे. आणि सगळे वॅक्सिनेशनची विचार करतात ते, पण कोणी पोरांच्या मेंटल हेल्थचा विचार करत नाही आहे. म्हणून त्या भीतीने की तुम्ही पटकन वॅक्सिनेशन घ्या आणि हा आजार ना तिकडेच थांबून घ्या. आजपासून आपण नवी सुरुवात करूया. कुटुंबाची रक्षा, कर्तव्य आपले, कर्तव्य आपले, कर्तव्य आपले. लसीकरणाने सुखकर होईल जीवन सारे, सुखकर होईल जीवन सारे. नाजरीन, अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का. खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज. शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख, प्रवक्ते तथा आमदार माननीय अंबादास दानवेदादा यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक नासिर पठाण मित्रमंडळ, भवानीनगर, कैलाशनगर, दादा कॉलनी, औरंगाबाद. शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख, प्रवक्ते तथा आमदार माननीय अंबादास दानवे दादा यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक अभिजित पगारे, शिवसेना उपविभाग प्रमुख तथा प्रसिद्धी प्रमुख प्राध्यापक संतोष बोर्डे, शिवसैनिक. औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजबी दाम, तत्पर सेवा, MRP डिस्काउंट, विश्वास का खजाना, सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, चिलीपुरा औरंगाबाद. एक बार जरूर पधारें या सामान की लिस्ट भेजें, फ्री होम डिलीवरी लें. बुक योर ऑर्डर एट मोबाइल नंबर 9823093264. हमारी विशेषताएं स्पेशल राइस, स्पेशल मसाले, पेंड खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरी और सभी जरूरी चीज़ें पाइए यहां एक ही छत के नीचे. सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, आपकी सेवा में हरदम हर वक्त. नाजरीन, वक्त के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है. मौरूसी ज़मीन वारिसों के नाम पर करने के बदले 10,000 रुपये रिश्वत मांगने वाली खातून तलाटी को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया. ये कार्रवाई वड़ुद बाजार में अंजाम दी गई. वड़ुद बाजार के साकिन एक शख्स ने तलाटी स्वर्णा देवराव गंगाने से मौरूसी ज़मीन की तकसीम और वारिसों के नाम रिकॉर्ड पर लेने के लिए दरख्वास्त दी थी. तलाटी स्वर्णा गंगाने ने इस काम के बदले 10,000 रुपये रिश्वत मांगी. दरख्वास्त गुजार ने एंटी करप्शन ब्यूरो से इसकी शिकायत कर दी. एंटी करप्शन ब्यूरो की एक टीम ने रिश्वत मांगने वाली इस तलाटी को तहकीकात के बाद गिरफ्तार कर लिया. ये कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो की इंस्पेक्टर दीपाली निकम, हेड कांस्टेबल बताने पाठक, सुनील पाटिल, मिलिंद अप्पर
और चांगदेव बागुल के हमरा अंजाम दी गई। बॉलीवुड की मशहूर फिल्म बंटी और बबली के मरकजी किरदार की तरह चोरियों की वारदातें अंजाम देने वाले एक जोड़े को पुलिस ने फिल्मी अंदाज में ही 5 किलोमीटर पीछा करने के बाद गिरफ्तार कर लिया। वेदांत नगर पुलिस को इत्तला मिली थी कि ऋषिकेश रमेश रोड़े और इसकी बीवी मानसी रोड़े मोबाइल चोरी की वारदातें अंजाम दे रहे हैं। इन्हें पकड़ने के लिए वेदांत नगर पुलिस की एक टीम निकल पड़ी। सादे लिबास में मलबूस पुलिस की टीम ने पदमपुरा के रास्ते पर कड़ी नज़र रखी। रात के वक्त कंचनवाड़ी का साकिन तालिब इल्म सुदर्शन गाय के पैठन गेट से शॉपिंग के बाद पदमपुरा के रास्ते घर लौट रहा था। इसी असना पीछे से एक मोटरसाइकिल पर सवार ऋषिकेश और उसकी बीवी ने सुदर्शन के हाथ से मोबाइल झपट लिया और तेज़ रफ्तारी के साथ फरार होने लगे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए यहां जाल बिछाया है। जैसे ही ये दोनों फरार होने लगे पुलिस की टीम इनके पीछे लग गई। 5 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद पुलिस ने इन्हें पकड़ ही लिया और असली दुनिया के ये बंटी बबली हवालात में पहुंच गए। ये कार्रवाई सब इंस्पेक्टर प्रमोद देवकाते, हेड कांस्टेबल रामकृष्ण आड़े और सचिन यादव वगैरह ने अंजाम दी। मुजाहिद आज़ादी कामरेड मनोहर टकसाल को आज यहाँ मुनक़दा कुल जमाती ताज़ियती नशिस्त में खराज अकीदत पेश की गई। ये ताज़ियती नशिस्त बुध की शाम सरस्वती भवन एजुकेशन सोसाइटी के हॉल में रखी गई थी, जिसमें आजहानी मुजाहिद आज़ादी कामरेड मनोहर टकसाल की खिदमात को याद किया गया और इन्हें खराज अकीदत पेश की गई। नशिस्त में डॉक्टर भालचंद्र कांगो, सुभाष लोमटे, भीमराव बंसोड़, एडवोकेट गायकवाड़, कॉमरेड अशफाक सलामी, डीआर शेड़के, वकील संघ के एडवोकेट राजेश कोटकर समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों और तंजीमों के कायदीन व कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। कॉमरेड सत्तार साहब यांचं आमचा संबंध 1975 सा जेव्हा औरंगाबादील शासकीय मुद्रणालय कर्मचारी संघटना आम्ही स्थापन केली, आम्हाला माहित नव्हतं की संघटना कशी रजिस्टर करायची आहे म्हणून। तर त्यावेळेस आमचे मित्र प्रल्हाद जगताप ते टकसाळ साहेबांकडे घेऊन आले। भावनी मूल्यामध्ये सलामी साहेबांनी सांगितलं, तिथं राहत होते ते गच्चीवरती आम्ही गेलो, भाभीजी बसल्यात आणि मला वाटतं क्रांती पण आहे, फार लहान होती त्यावेळेस, तर मी त्यांच्याकडे जायचो। तर संघटनेची घटना पासून तर आमची संघटना रजिस्टर्ड करेपर्यंत त्यांनी आम्हाला सहकार्य केलं। कॉम्रेड टकसाळ यांचा विचार आणि आज जे काही घडतंय देशामध्ये त्याबद्दलची अस्वस्थता ही जर लक्षात घेतली तर या ठिकाणी परिवर्तनवादी चळवळीमध्ये काम करणारे कार्यकर्ते आहेत, पक्षामधले कार्यकर्ते आहेत, त्यांच्याबरोबर काम करणारे, त्यांच्याबरोबर त्यांच्यापासून प्रेरणा घेणारे वकील मंडळी या ठिकाणी आहेत, त्यांना माणूस म्हणून ओळखणारे पक्षामध्ये नसलेले वकील नसलेली अशी असंख्य मंडळी आहेत। तर मला असं वाटतं की ते एक सच्चे माणूस होते। संताजी जगनाड़े महाराज जयंती के मौके पर तेली समाज के जानिब से अतिया खून कैंप मुनक्कद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने अपने खून का अतिया दिया। संत शिरोमणि जगनाड़े महाराज की जयंती के मौके पर तेली समाज की जानिब से कोरोना के वबाई दौर में खून की शदीद किल्लत को देखते हुए अतिया खून कैंप का अहतमाम किया गया। इस कैंप में साबिक मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे, साबिक रियासती वजीर नीज, तेली समाज के लीडर जयदत्त क्षीरसागर, मेंबर असेंबली प्रदीप जायसवाल, अतुल सावे, मनोज संतानसे, सुरेश करडीले, कचरू वेड़ंजकर, गणेश वाघ, एडवोकेट योगेश मिटकर, सुरेश मिटकर, सुनील क्षीरसागर, अतुल सोनोने, चंदू पवार, योगेश पठारे और साई प्रेम मंडल के कारकुन बड़ी तादाद में मौजूद थे। कैंप में 51 से जायद अफराद ने अपने खून का अतिया दिया। श्री संताजी जगनाड़े महाराज जयंती निमित्त यांची 300 जन्म 8 डिसेंबर 1624 रोजी झालेला आहे। तसेच त्यांची ही 328वी जयंती। तसेच आमचे समाजाचे राष्ट्रीय नेते माननीय जयदत्त अण्णा क्षीरसागर यांचाही वाढदिवस काल 7 डिसेंबरला झाला, त्यानिमित्त आम्ही रक्तदान शिबिराचे आयोजन केलेले होते। शहर की मशहूर सागर हॉटेल के मालिक ने साबिक कारपोरेटर सैयद सलीम आज दोपहर इंतकाल कर गए।
वो 65 वर्ष के थे। खुश अखलाकी और मिलनसारी की वजह से वो हर खास व आम में मकबूल थे। नमाज जनाजा आज रात 11 बजे जामा मस्जिद बुड्डी लेन में अदा की जाएगी और तदफीन चीता खाना कब्रस्तान में अमल में आएगी। पसमानदगान में दो लड़के और एक लड़की शामिल हैं। इदारा एडियन पसमानदगान के गम में बराबर का शरीक है और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ गो है कि वो मरहूम की मगफ़िरत अता फ़रमाए और लाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिनभर की अहम खबरों पर। कौमी रहनुमाओं को खराज अकीदत पेश करके मनाई गई औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की 39वीं सालगिरह। प्लाग रन मुहिम के तहत शहर से उठाया गया 3 टन कचरा। सालगिरह के दिन अपने ही खून का अतिया करके एमएलसी अंबादास दानवे ने पेश की काबिले तकलीद मिसाल। बीड़ के साबिक वजीर सुरेश धस पर लगा 1,000 करोड़ रुपए के जमीन घपले का इल्जाम। और 10,000 रुपए रिश्वत मांगने वाली खातून तलाटी गिरफ्तार। नाजरीन ये थी आज की खबरें, कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज, आवाज हर दिल की। शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख प्रवक्ते तथा आमदार माननीय अंबादास दानवे दादा यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक नासिर पठाण मित्रमंडळ भवानीनगर कैलाश नगर दादा कॉलनी औरंगाबाद। शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख प्रवक्ते तथा आमदार माननीय अंबादास दानवे दादा यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक अभिजित पगारे शिवसेना उपविभाग प्रमुख तथा प्रसिद्धी प्रमुख प्राध्यापक संतोष बोर्डे शिवसैनिक।